Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing really good. Guys, आज हम लोग सोलन आए हैं और आज आपको सोलन घुमाते हैं. चलो. ये जो आप पीछे टॉय ट्रेन देख रहे हो, ये कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि सोलन से होते हुए शिमला जाती है. Guys, enjoy this video. गाइस सोलन में बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम मोहन हेरिटेज पार्क है, मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क है. और ये बहुत ही प्यारा टेंपल है जिसमें अंदर बहुत ही प्यारी मूर्तियां हैं भगवान की, प्लस बाहर बहुत ही अच्छे स्टैचूज बनाए हुए हैं. और इसकी लोकेशन इतनी सुंदर है, बहुत ही ड्रीमी है. आपको ऐसा लगेगा कि आप कितनी अच्छी जगह पर आ गए हो. जब भी आप सोलन आओ या शिमला आओ, मेक श्योर टू विजिट दिस प्लेस. दिस इज रियली वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. Guys, this park is a great blend of history and art and culture. Its surroundings make it a perfect place for family outing. सोलन में हमारे दीदी जीजू रहते हैं तो हम उनके पास आए हैं. तो आज हम एक हिडन वाटरफॉल दिखाते हैं आपको जो कि सोलन में है, जो हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपने दीदी जीजू के साथ. एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस हिडन वाटरफॉल. गाइस इस वाटरफॉल का यही रास्ता है जिसमें कि साथ साथ आप पानी देख रहे हो, पानी बहता हुआ. बट रियली इट्स अ लॉन्ग ट्रैक और अराउंड 5 to 10 मिनट्स में ही आपको हिडन वाटरफॉल की ओर ले जाएगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो फाइनली हम वाटरफॉल की तरफ पहुंच ही गए. एंजॉय. तो गाइज ये तो था वाटरफॉल. अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम बिल्कुल जंगल के बीच में जाके अपना पिकनिक करेंगे और रिलैक्स करेंगे, आज का दिन एंजॉय करेंगे. और हम हाँ, कुकिंग भी हम लोग यहाँ पर ही करेंगे. तो गाइज चलो आप मेरे साथ, आज हम यहाँ पर ही खाना बनाते हैं और यहाँ पर ही एंजॉय करते हैं नेचर के बीच अपना इस टाइम को. तो गाइस हम लोगों ने जगह फाइनलाइज कर ली है जहाँ पे हमें पिकनिक करना है और यहाँ पे हमने अपना पूरा सामान ले आए हैं, कुकिंग के इक्विपमेंट्स, कोल और जो सब सामान चाहिए वो सब. गैस अब हम कुकिंग शुरू करते हैं और आप ये जो देख रहे हो, सी ये जीजू अभी कोल जला रहे हैं और ये चिमनी स्टार्टर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं टाइम पे क्योंकि अब हम बनाएंगे खाना. क्या इसका नाम है चिमनी स्टार्टर. इसके लिए बहुत सारी लकड़ियां
पहले हम सबसे पहले स्टार्टर से शुरू करते हैं, तो कौन बनाते हैं और कौन खाते हैं सब लोग? गाइस अब हम नेक्स्ट डिश की तरफ चल रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी पनीर मशरूम कैप्सिकम टिक्का बनाएंगे, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है ये देखने का, प्लीज स्टे ट्यून्ड। गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है ओपन में पिकनिक करने को, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाना खाने में, खुद पिकनिक करके खुद खाना कुक करने में एक अलग ही मज़ा है। गाइज अब बहुत हो गया खाना बनाना एंड खाना, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिश लेट्स एंजॉय सम डांस। तो गाइस अब हम लोग डांस करके इतना थक गए हैं कि अब हम सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं और अब थोड़ा टाइम रिलैक्स करने के बाद हम अपने फाइनली लास्ट मील ऑफ द डे बनाएंगे। क्या खा रही है लवने? तो गाइज अब हमने खाना भी खा लिया है, डांस भी कर लिया है एंड घूम भी लिया है थोड़ा, तो अब हम रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद हमारा पिकनिक ख़त्म हो चुका है और अब हम घर की तरफ जाएंगे क्योंकि शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद यह अंधेरा भी होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह हम लोगों ने जितना भी हम लेके आए थे वो हम सब पूरा क्लीन कर दिया है, हम अपने घर से बैग्स लेके आए थे गार्बेज के बैग्स, क्योंकि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कीप माउंटेन्स क्लीन एंड ग्रीन। गाइज आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड स्टे